दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत टाइम बाद मैदान मूवी की। मैदान मूवी की चर्चा इसलिए क्योंकि इस मूवी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा कि इस मूवी को जो डायरेक्टर बना रहा है वो 2 साल बाद क्यों बना रहा है, और इस मूवी का राइटर कौन है, और इस मूवी की जो कास्ट है वो इतनी खास क्यों है। इस बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो शायद आप लोग को पता चल जाएगा कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर होनी ही होनी है। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। आप लोग को बताता हूँ मैदान मूवी के बारे में। इस मूवी की जो स्टोरी है वो साइविन ने लिखी है, और इससे पहले वो 2 से 3 स्टोरी और लिख चुके हैं जो कि आप लोगों ने मूवीज देखी होगी। एक मूवी थी जॉन अब्राहम की परमाणु। परमाणु मूवी की स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी, तो इन्होंने ही लिखी थी। और उससे पहले इन्होंने लिखी थी मैरी कॉम, जो कि आपने प्रियंका चोपड़ा की देखी होगी, और इससे पहले एक और मूवी नीरजा की। तीन मूवी की स्टोरी इन्होंने लिखी है, और तीनों मूवी आप लोग को कैसी लगी तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि मैदान मूवी की स्टोरी किस हिसाब से इन्होंने लिखी होगी, कितना होगा सस्पेंस, कितना होगा ड्रामा। अब हम बताते हैं कि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर बड़े ही खास हैं, अमित रविंद्रनाथ शर्मा। और उनकी इससे पहले आप लोगों ने 2018 पर डायरेक्ट की हुई मूवी देखी होगी बधाई हो। बधाई हो मूवी का डायरेक्शन आपको कैसा लगा था, किस तरह की उस मूवी पर आप लोग को देखने पर मज़ा आया था या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये डायरेक्टर वही डायरेक्टर हैं जो कि 2 साल बाद मैदान मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद इसके जो तो बड़ी स्टार कास्ट आप लोग को दिखाई दे रही, जहाँ एक्टर के रूप पर अजय देवगन, वहीं आपको एक तरफ एक्ट्रेस के रूप पर प्रिया मामी, जो कि पहली बॉलीवुड पर मूवी करने जा रही हैं। और देखा जाए तो इससे पहले तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा कई सारी मूवीज ये कर चुकी हैं, और ये नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। देखा जाए तो अजय देवगन आप लोग को पता ही है कि 2 बार नेशनल अवार्ड विनर एक्टर रहे हैं। जहां एक तरफ इसके बारे में मैं आप लोग को चर्चा करूंगा, एक्ट्रेस के बारे में, नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में आप लोग को आगे बताऊंगा, लेकिन 2 बार जहां नेशनल अवार्ड विनर एक्टर अजय देवगन रहे हैं, वहीं एक तरफ प्रिया मामी भी नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस हैं। तो ये मूवी जहाँ डायरेक्टर और राइटर इतने ज़्यादा खास हैं, वहीं एक्टर और एक्ट्रेस भी बहुत ही ज़्यादा खास हैं। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि वाकई में ये मूवी बॉलीवुड की 13 अगस्त को जब मूवी रिलीज होगी तो ये ब्लॉकबस्टर सिनेमास पर, और सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि इस मूवी को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम पर भी बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस मूवी का आई थिंक अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि इस मूवी 4 लैंग्वेज में रिलीज होगी। तो इसकी जो भरपूर मतलब सब मूवियों को, जैसे कि अभी पिछली मूवी तानाजी रिलीज हुई थी, तो तानाजी के बारे में बहुत सारी बातें उठी थी कि उस मूवी को भी 4 लैंग्वेज में रिलीज किया जाए, तो इस मूवी को 4 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, तो ये मूवी का ब्लॉकबस्टर होना तय है। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये मूवी हिट होगी, सुपर हिट होगी, या ब्लॉकबस्टर, या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कीजिएगा। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त अमित मिश्रा।